एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 10 जून दिन शुक्रवार को है। निर्जला एकादशी यानी कि जलपान नहीं करना चाहिए। बता दें कि ये व्रत निर्जल होता है, लेकिन गलती से आपसे ये व्रत टूट गया या आपने गलती से पानी पी लिया तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस दौरान वैसे तो गलती करने से बचना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में आपसे टूट जाए ये व्रत तो घबराने की जरूरत नहीं है। व्रत खंडित होने पर सबसे पहले स्नान करें और भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। बता दें कि किसी जरूरतमंद को वस्त्र और फल दान करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शाम के समय जब पूजा करें तो सबसे पहले अपनी भूल के लिए भगवान विष्णु से माफ़ी मांगें, उसके बाद सभी विधि विधान से नियमों के अनुसार पूजन करें। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु किसी भी भूल को माफ़ करके आपको वरदान देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।